कोई भी युवा होगा, शिक्षित होगा, वो इस तरह के फैसलों का समर्थन नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि अभी जिस तरीके से एनडीए में माहौल है, कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो फैसले हैं, इसका विरोध करते हुए तमाम जो पार्टियां हैं वो नज़र आ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि अब जो कह सकते हैं बहुमत भारतीय जनता पार्टी नहीं छुपाई है, एनडीए की बदौलत सरकार बनी है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार करके इन तमाम इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समय पर आकर अब बिल्कुल ख़त्म कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर एनडीए गठबंधन में ही इस तरीके से फूट पड़ती दिखाई दे रही है, अंतर कलह मचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर खुद उनके ही जो नेता हैं या जुड़े हुए जो दल हैं एनडीए से, वही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफे की मांग की जा रही है सीधे तौर पर। तो जयंत चौधरी यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार का जो फैसला है बिना सोचे समझे लिया गया है, उनको लगता है इसे फैसला जो है वापस लिया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि आखिर क्या सोच के दुकानों के नाम बदले गए, क्या अब अपने कुर्तों पर भी, क्या अपनी कमीज पर भी, अपने कपड़ों पर भी आपका नाम लिखवाना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उनकी ही पार्टी में उनके खिलाफ बगावत होती हुई भी दिखाई दे रही है। माना यही जा रहा है कि उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर इस पर हार दर्ज करती है तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें फिर से खड़ी होती हुई नजर आएगी। ऐसे में मायावती की बात करें तो मायावती भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर परेशानी में दिखाई दे रही हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, लगातार ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाते हैं जिससे उनका पैठ अब जनता के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अखिलेश यादव मजबूती में है, अति आत्मविश्वास का भी उनका एक निर्णय सामने आ रहा है और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा सिनेरियो बनेगा, किस तरीके से यूपी की सियासत रुख लेने वाली है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं, हमारे साथ सिराज हैं। सिराज, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का एक फैसला कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो पार्टी में बगावत की भी खबरें आ रही हैं, माना यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। क्या कुछ लगता है, किस तरीके से माहौल बन रहा है? जी देखिए, जो कांवड़ यात्रा को लेकर के फैसला योगी सरकार द्वारा लिया गया है, इस पर सियासत जो है पूरी तरीके से तेज हो गई है। और जाहिर सी बात है, इसको उपचुनाव को देखते हुए ही लिया गया है। और कांवड़ यात्रा के नाम पर जिस तरीके से ये आदेश जारी किया गया कि सभी दुकानदारों को अपने नेम प्लेट जो है लगाने होंगे, इससे कहीं ना कहीं एक संप्रदाय की कह सकते हैं माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो एनडीए के सहयोगी दल है वो योगी सरकार के खिलाफ ही लगातार बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं हम इस तरह के आदेशों का समर्थन नहीं करते, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। वहीं जेडीयू ने भी लगातार इसका विरोध किया है। वहीं बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने खुले तौर पर कहा है कि मेरे जैसा कोई भी युवा होगा, शिक्षित होगा, वो इस तरह के फैसलों का समर्थन नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि अभी जिस तरीके से एनडीए में माहौल है, कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो फैसले हैं, इसका विरोध करते हुए तमाम जो पार्टियां हैं वो नज़र आ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि अब जो कह सकते हैं बहुमत भारतीय जनता पार्टी नहीं छुपाई है, एनडीए की बदौलत सरकार बनी है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार करके इन तमाम इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनके साथ जो सहयोगी दल, आप देखिए जयंत चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को समेटने का एक कवायद करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कह सकते हैं कि इस तरह के फैसलों का वो विरोध नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समुदाय है उनके प्रति नाराज होता हुआ भी नजर आ सकता है। वहीं चिराग पासवान इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन कल अगर परिस्थितियां जो है उलट होती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कह सकते हैं सारे समुदाय, तमाम जाति धर्म के वोट की जरूरत होगी। और बिहार की सियासत में तो जाति धर्म की वोट काफी मायने रखती है। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो शुरू से ही सेकुलर वाली रणनीति रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से योगी सरकार का यह फैसला है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस पर कोई बड़ा कह सकते हैं एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, या फिर योगी सीएम योगी को फोन करके उनको मना करते हैं कि आदेश आप वापस लीजिए, तमाम तरह की जो रणनीति है इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है।
जी बिल्कुल, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ये जो रणनीति योगी आदित्यनाथ बनाते हुए नजर आए हैं उसका कोई फायदा नहीं देखने को मिल रहा है, एक आदेश कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को हमेशा से साधने का प्रयास करती हुई नजर आई है, मुसलमानों को दरकिनार किया है। ऐसे में 20 से 22% मुस्लिम वोटर्स को ऐसे इस तरीके से दरकिनार करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ा है। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक है वो अखिलेश के खाते में जाता हुआ नजर आता है, और अगर दलित वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो वो चंद्रशेखर आजाद और मायावती में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसी गलती करेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हमारे साथ शालिनी है। शालिनी, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर उनको इस बार कोई भी तरीके से अगर राहत नहीं मिलती है, अगर उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने मेंटेन किया, कोई और मंत्री आएगा, चाहे केशव प्रसाद मौर्य आए और कोई आए, तो क्या मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम के पद पर विराजमान हुए, उसके बाद कई बदलाव हुए उत्तर प्रदेश में देखा गया, तो काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर बदलाव, ये कह सकते हैं कि तेज़ी से वहाँ पर बदलाव हुए। ऐसे में अगर हम सड़कों को लेकर बात की जाए, माफिया राज को लेकर अगर बात की जाए, तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समय पर आकर अब बिल्कुल ख़त्म कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर एनडीए गठबंधन में ही इस तरीके से फूट पड़ती दिखाई दे रही है, अंतर कलह मचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर खुद उनके ही जो नेता हैं या जुड़े हुए जो दल हैं एनडीए से, वही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है सीधे तौर पर। तो इसका जो फायदा है वो विपक्षी पार्टियाँ बखूबी निभाते हुए भी, पूरा फायदा उठाते हुए भी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव इस तरीके से तंज कस रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि 100 लेकर आइए, अपनी सरकार बनाइए। तो कहीं ना कहीं अगर एनडीए गठबंधन में इसी तरीके से फूट पड़ती रही या इसी तरीके से अंतर कलह मचा रहा, तो एक समय आएगा कि जब जो सरकार जो अभी सत्ता में काबिज हुई है, वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो यही कहा जा सकता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और चेहरे को यहाँ पर सीएम का पद दिया जाता है, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो बदलाव अभी तक उत्तर प्रदेश में हुए हैं, शायद उतनी तेज़ी से वो बदलाव ना देखने को मिले, और यहाँ पर उनकी जो भूमिका है, जो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाई है, उनकी जगह शायद ही कोई ले पाए। जी बिल्कुल, ऐसे में शायद उनकी कोई जगह ले पाए, लेकिन जिस तरीके से कवायद उठती हुई नजर आ रही है, कावड़ का मुद्दा लगातार उठ रहा है, उपचुनाव है, ऐसे में माना ही जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती है, इस तरीके के फैसले लेती है जिसको जनता खुद नहीं समर्थन देगी, तो क्या ये फैसला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया, सोनू सूद भी उस पर एक बयान देते हुए नजर आते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये भाईचारा है, ह्यूमैनिटी का बोर्ड लगना चाहिए, किसी भी तरीके का फल पे कौन सा मुस्लिम है कौन हिंदू है इस तरीके का कोई बोर्ड नहीं, उस पे कंगना रनौत ने एक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो क्या लगता है कि ये सब जो मुद्दा है वो आगे बढ़ने वाला है और उपचुनाव में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर ठीक कांवड़ यात्रा से पहले अगर इस तरह का आदेश आता है, तो जाहिर बात है कि बीजेपी ने, यूं कहा जाए कि योगी सरकार ने बैठे बिठाए विरोधी खेमों को राजनीति करने मौका दे दिया। और देखिए, लगभग जो कहा जा सकता है कि जितने भी विरोधी खेमे उनकी तो आवाज़ बुलंद हो रही है, साथ में एनडीए कुनबे के जो लोग हैं, खासकर आरजेडी, जो आरएलडी है, चाहे वो जेडीयू है, चाहे वो एलजेपीआर है, इसके अलावा बीजेपी के भी कुछ नेता हैं, वो भी इसके ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जिस तरह से फैसला लिया गया है बहुत जल्दबाजी में लिया गया। कल तो जयंत चौधरी यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार का जो फैसला है बिना सोचे समझे लिया गया है, उनको लगता है इसे फैसला जो है वापस लिया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि आखिर क्या सोच के दुकानों के नाम बदले गए, क्या अब अपने कुर्तों पर भी, क्या अपनी कमीज पर भी, अपने कपड़ों पर भी अब क्या नाम लिखवाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं माही, किस तरह से नाराजगी नजर आती है आरएलडी के अंदर इन सब मुद्दों को लेकर। अगर बीजेपी ने यही राजनीति करने का जो तरीका है अगर आगे भी बढ़ाया, तो आने वाले दिनों में एनडीए कुनबे के अंदर दरारें पड़ सकती हैं। आपने देखा कि जिस तरह से धर्म के नाम पर बीजेपी ने कई जगह पर जाकर वोट मांगे, लेकिन अयोध्या में वो चुनाव हार जाती है, बद्रीनाथ में वो चुनाव हार जाती है, अब हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है कि बीजेपी
बीजेपी को अगर अपने आप को बचाना है तो कम से कम मुद्दों का जो चयन है वो ठीक से उनको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अमन जी अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद मैदान में है, मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास करते हैं, वही अखिलेश यादव और मायावती भी है, तो क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान? देखिए जाहिर बात है कि बीच में खबर इस तरह की भी थी माही कि बीजेपी खुद चाहती है कि जो मुस्लिम उनसे अलग है, अलग थलग समझते हैं, वो उनको करीब लाने के लिए एक दो सीटों के ऊपर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। उसके लेकर माथापच्ची भी हुई, बाकायदा मीटिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद इस तरह का फैसला आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी की शायद मनसा अभी भी जो 85% की राजनीति हिंदूवादी राजनीति है उसके ऊपर ज़्यादा करने की। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखिए आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं निकल कर सामने आएगा, क्योंकि अब ये समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपने कह सकते हैं आसपास रखती थी उस मुद्दे को, वो भी उनसे छिटकता हुआ दिखाई पड़ता। राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में कहा कि हिंदू होने का मतलब मोदी नहीं है, हिंदू होने का मतलब बीजेपी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिंग रहा, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं भी इसको लेकर हुई। तो यहाँ पर मुझे भी ऐसा लगता है कि बीजेपी को अपना स्टैंड बदलना चाहिए, नहीं तो जो राजनीति अब तक वो करते आए हैं उससे अब उनका कोई भला होता हुआ नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि 20-22% मुस्लिम वोटर्स को इस तरीके से अगर बिखरने देंगे, ओबीसी वोट बैंक साथ नहीं है, दलित वोट बैंक खे सकता हुआ नजर आया, तो आखिरकार बीजेपी किस मुद्दों पर और किस वर्ग के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? और इस बार के उपचुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, जो पार्टी जीतेगी ये साबित हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसका पड़ला भारी रहने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव पूरी तरीके से जद्दोजहद में लगे हुए हैं, मायावती फिर से जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं, आज़ाद भी इस कड़ी में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियाँ कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ पर कैसी गाज गिरती है आने वाले दिनों में, ये बड़ा सवाल है। और आपको क्या कुछ लगता है, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट9 न्यूज़ पर।